जय माता दी, जय माँ कामाख्या, जय श्री महाकाल महाराज। आज हमारे सामने एक अजीबोगरीब प्रश्न आया है कि मैंने बहुत जप कर लिए, बहुत तप कर लिए, बहुत हवन कर लिए, बहुत भूखा रह लिया मैं, परंतु मेरे को भगवती की कृपा नहीं मिली। भगवती की सिद्धि कैसे होगी, मैं भगवती से बात कैसे कर पाऊंगा, मुझे माँ भगवती दिखना चाहिए। मैंने अपना सर्वस्व अर्पण कर दिया उनको, तन मन धन जीवन सब अर्पण कर दिया। तो मैंने अब क्या जवाब देता, तो जो जवाब दिया मैंने उस वक्त माँ भगवती की कृपा से आंख बंद करके, वो जवाब मैं आपको सुना रहा हूँ। मतलब ये आज का जो प्रश्न है कि मुझे सिद्धि क्यों नहीं मिलती, वो सिद्धि कैसे मिलेगी, उन सब साधक लोगों के लिए यह उत्तर है। ऐसे तो बहुत से इसके अलग अलग डायमेंशन से अलग अलग उत्तर बनते हैं, परंतु उस वक्त जो मेरे को शक्ति के द्वारा बताया गया जवाब, वो मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। यदि कोई मनुष्य माँ भगवती आद्य शक्ति काली या दुर्गा माता की सिद्धि चाहता है, तो ऐसे मनुष्य को जब भी वह किसी महिला को देखे, अब उसमें माँ भी हो गई, बहन भी हो गई, बेटी भी हो गई, पत्नी भी हो गई, काम करने वाली बाई भी होगी, और बाहर शहर में घूमने वाली कोई भी स्त्री हो गई, बहुत गौर से सुनना क्योंकि ये वाणी सत्य वाणी है। तो जिनको देवी माँ की सिद्धि प्राप्त नहीं हो रही, जो देवी रहस्य को समझ नहीं पा रहे हैं, जो शक्ति संगम के महत्व को नहीं समझ पा रहे हैं, और जो साधक हैं, उनके लिए बता रहा हूँ कि यदि माँ भगवती की कृपा चाहते हो, तो जब भी कहीं पर भी आप किसी भी महिला को देखते हो, तो अंदर ही अंदर आपके मन से एक मंत्र का जप करना प्रारंभ हो जाना चाहिए, जो माँ भगवती का ही मंत्र हो। ओम एम रिम क्लिम चामुंडा विच्छे, यही बोलना चालू कर दो, सबसे आसान मंत्र है। क्रीम कालिकाय नमः, क्रीम कालिकाय नमः, यह बोलना चालू कर दो। ओम ह्रीम दुन दुर्गाय नमः, ओम ह्रीम दुन दुर्गाय नमः, यह मंत्र बोलना चालू कर दो। यानी जब भी कोई स्त्री नजर आए, तो आपको कोई भी एक मंत्र लेना है और उस स्त्री को देखते हुए, और यदि निगाह मिल जाए तो आपके मन से, अंतरात्मा से ऑटोमेटिकली वो मंत्र जप करते हो जाना चाहिए, तो सिद्धि अवश्य प्राप्त होगी। यानी आप उस स्त्री में उस देवी माँ को देख रहे हो जो आपको चाहिए, जिसके साथ आप जुड़ना चाहते हो, जिसकी कृपा आप चाहते हो, जिससे आप बात करना चाहते हो, क्योंकि वह भगवती आपके इर्द गिर्द ही है, आपके आसपास ही है, आपके घर के अंदर ही है। इस बात को समझने का प्रयास करें। जो मनुष्य अपने मुंह से स्त्रियों के लिए गाली निकालता हो, जो मनुष्य जिसके मन में, दिल में, दिमाग में स्त्री के प्रति कुलुषित विचार हो, गलत विचार हो, ऐसे व्यक्ति को माँ भगवती की कृपा प्राप्त नहीं हो सकती। और ऐसा व्यक्ति, जो व्यक्ति अपनी स्त्री के ऊपर, अपनी पत्नी के ऊपर, अपने घर परिवार के किसी भी सदस्य की स्त्री के ऊपर हाथ उठाता हो, उसे गंदी तरीके से देखता हो, गंदे गंदी बातें करता हो, उसके बारे में उसकी आलोचना करता हो, ऐसे मनुष्य को भी देवी माँ की कृपा प्राप्त नहीं हो सकती। जो मेरे को उत्तर प्राप्त हुआ है, मैं आपको बता रहा हूं। तो देवी माँ की कृपा यदि आपको चाहिए, तो आप जब भी किसी स्त्री को देखें, चाहे वो माँ हो, बहन हो, बेटी हो, पत्नी हो, प्रेमिका हो, या बाहर की कोई स्त्री हो, अंदर की कोई स्त्री हो, तो आपके मन से समर्पण भाव से एक मंत्र कोई भी जो आपको मिला होगा अपने गुरु से, उसका जप ऑटोमेटिकली प्रारंभ हो जाना चाहिए।
हमारे ग्रंथों में भी लिखा है और माँ भी कहती है हमारी भगवती जगत जननी कि महिलाएं दिव्यता है। महिलाएं क्या है? दिव्य है। महिलाएं जीवन है और महिलाएं वास्तव में एक आभूषण है, क्योंकि जिस मनुष्य के साथ में स्त्री नहीं वह दिव्यता की ओर नहीं जा सकता। उसको मालूम ही नहीं है कि वो आभूषण को कैसे पहने। और यदि मनुष्य माँ भगवती की कृपा चाहता हो तो उसे स्त्री की पूजा करना चाहिए, चाहे वो जवान स्त्री हो, चाहे वो प्रौढ़ स्त्री हो, चाहे वो कन्या स्त्री हो। स्त्री की पूजा करना चाहिए, कन्या की पूजा करना चाहिए, क्योंकि वही शक्ति है और कुल का आश्रय देने वाली भी वही है, क्योंकि उसी के द्वारा बच्चे उत्पन्न होते हैं। और जो व्यक्ति देवी माँ की कृपा प्राप्त करना चाहता है, सिद्धि प्राप्त करना चाहता है, उसे कन्या और स्त्रियों से कभी भी कठोर बात नहीं करनी चाहिए। हर महिला को देवी का स्वरूप मान करके पूजन अर्चन करना चाहिए। ऐसे मनुष्य को जो माँ भगवती की सिद्धि चाहता है, कृपा चाहता है, ऐसे पुरुष को किसी महिला पर हाथ नहीं उठाना चाहिए, हमला नहीं करना चाहिए, धमकी भी नहीं देना चाहिए। और जब स्त्री नग्न अवस्था में होती है तो पुरुष को पहले, सबसे पहले घुटने टेक करके पूर्ण समर्पण भाव से देवी के रूप में उसकी पूजा करनी चाहिए, क्योंकि स्त्री को भी सभी स्तर पर पुरुषों के बराबर समान अधिकार प्राप्त है। महिलाएं स्वर्ग है, महिलाएं नारी धर्म है, और स्त्रियां को सर्वोच्च तपस्वी बोला गया है। स्त्रियां ही बुद्ध है, स्त्रियां ही संग है, स्त्रियां ही बुद्धि की पराकाष्ठा है। हरि, हर और ब्रह्मा ये सृजन पालन और विनाश के देवता हैं, सभी योनियों से उत्पन्न होते हैं। और दिव्य योनि लाखों सूर्यों के समान उज्ज्वल है और करोड़ों चंद्रमाओं के समान शीतल भी है। अब स्त्री, कोई भी स्त्री होगी तो उसमें ईश्वर की जो देन है कि उसमें योनि अवश्य होती है। काली माँ और तारा माँ उस योनि चक्र में विराजमान होती है और छिन्नमस्ता माँ उसके बालों में विराजमान होती है। बगला मुखी और मातंगी माँ योनि के किनारे पर उपस्थित होती है और महालक्ष्मी यानी कमलात्मिका, षोड़शी यानी त्रिपुर सुंदरी और भुवनेश्वरी योनि के भीतर विराजमान होती है। बहुत गुण रहस्यमयी बात कर रहा हूँ, इसलिए स्त्रियों को पूजना चाहिए, क्योंकि यदि आप स्त्री की पूजा करते हो तो 10 महाविद्याओं की देवियों की पूजा स्वतः हो जाती है और उसी से कृपा प्राप्त होती है सिद्धि की। योनि की पूजा करने से व्यक्ति निश्चित रूप से शक्ति की पूजा करता है। तंत्र में, मंत्र में, साधना में, उपासना में, योनि में योनि की पूजा, कामाख्या साधना में योनि की पूजा होती है। तो मनुष्य को यदि सिद्धि चाहिए, विशेष तौर से देवी माँ की, तो उसे किसी स्त्री की पूजा करना ही करना पड़ेगी और स्त्री के आगे घुटने टेक करके पूर्ण रूप से साष्टांग दंडवत प्रणाम करना चाहिए यदि किसी भी नग्न स्त्री को देखते हैं तो, क्योंकि स्त्री देवी स्वरूपा है। जय माता दी, जय माँ कामाख्या, जय श्री महाकाल महाराज। इसलिए स्त्री ही सृष्टि की सृजन आधार है और इसी को आधार मानते हुए
कामाख्या नीलांचल पहाड़ी पर माँ भगवती जगत जननी इसी रूप में विराजमान है और वहाँ पर आज भी सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं। यदि किसी मनुष्य को माँ भगवती जगत जननी कामाख्या माँ के नीलांचल पहाड़ी पर कामाख्या में साधना करना हो तो वह 16 मार्च 2025 से साधना का कार्यक्रम रखा गया है। अभी से बुकिंग करा सकते हैं। कुछ लोगों के लिए कुछ शर्तों के साथ में साधना करते हैं तो रहना खाना खाना पीना भी निःशुल्क है। कुछ शर्तों के साथ कुछ व्यक्तियों के लिए, सबके लिए नहीं है, परंतु यदि आप वहाँ पे आकर के साधना करना चाहते हैं कि मुझे साधना करना है, कैसी साधना करना है, कौन सी साधना करना है, कैसे सिद्धि मिलेगी, तो वह सब आपको सिखाया जा सकता है। मेहनत आपको करना है, पढ़ना आपको है, तप आपको करना है। मैं केवल एक डायरेक्टर के रूप में, एक टीचर के रूप में आपको सिर्फ ज्ञान बता सकता हूँ कि सिद्धि इस प्रकार से प्राप्त होती है। तो यदि चाहते हो तो आप अपनी बुकिंग करा सकते हैं। अधिक जानकारी लेना हो इस संबंध में तो 7649862712 पर संपर्क कर सकते हैं या फिर 7987237885 पर केवल व्हाट्सएप के माध्यम से संदेश देकर के आप संपर्क करें। कृपया फ़ोन नहीं लगाएं। ऐसे हमारे पास में बहुत फ़ोन आते हैं तो आप सबसे विनम्र निवेदन है कि कृपया व्हाट्सएप पर और कोई जानकारी प्राप्त करना हो, रजिस्ट्रेशन कराना हो, तो व्हाट्सएप पर संदेश देकर के उचित राशि जो निर्धारित की गई है वह जमा करके आप अपनी सीट रिजर्व कर सकते हैं। जय माता दी।